दक्षिण फेसिंग व्यापारिक प्रतिष्ठानों में बाहर की साइड नीला कलर करने से बचें, सिल्वर कलर करने से बचें, काला कलर करने से बचें, क्योंकि दक्षिण धन देता है। अगर आप वहाँ पे आप नीला कलर, काला कलर और वाइट कलर कर दोगे तो उसमें प्रॉब्लम महसूस होगी, ग्राहक आने में इरिटेट हो, एक कतराएंगे कि ग्राहक अवॉइड करेंगे आने से, एनर्जी पॉजिटिव नहीं रहेगी। आपको एनर्जी पॉजिटिव करने के लिए साउथ फेसिंग व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लाल कलर, पिंक कलर, क्रीम कलर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा फल लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा भी आप उत्तर फेसिंग जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है तो उसमें डार्क येलो कलर करने से बचें, सिल्वर कलर करने से बचें, स्पार्कल वाला, तो भी आप अच्छे लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि ईस्ट समाज से जोड़ता है। अगर वहाँ आप डार्क येलो कर दोगे तो वो अच्छे रिजल्ट में नहीं देखा जाएगा, ऐसे स्पार्कल वाला सिल्वर कर देंगे तो भी आपके ग्राहकों की संख्या में वृद्धि नहीं हो पाएगी, तो इसलिए वहाँ हल्का सा हरा कलर कर देंगे, लाइट क्रीम कर दीजिएगा, लाइट पिंक भी काम करेगा लाइट, तो मज़ा आएगा। छोटी छोटी चीज़ें पे ध्यान आपको रखना चाहिए। मैं आपको समझाते हैं कि आज हम आपको समझाते हैं कलर को किस निगाह से देखें। जैसे हरा कलर है तो उत्तर की दिशा पूर्व की दिशा समझें, लाल कलर है तो दक्षिण दिशा समझें, पीला कलर है तो पृथ्वी तत्व साउथ वेस्ट दिशा समझें, सफ़ेद कलर, ग्रे कलर, सिल्वर कलर है तो पश्चिम दिशा समझें, उत्तर दिशा नीला कलर है या सिल्वर कलर है तो उत्तर दिशा समझें। इन दिशाओं को देख के, इन कलरों को देख के आप दिशा का ज्ञान लगा सकते हैं। ये दिशा अपोजिट 180 डिग्री पर जब भी टकराएंगे तो आपको प्रॉब्लम महसूस होंगी, और क्लॉकवाइज काम करेंगे तो फ़ायदा होगा।